नमस्कार शिक्षक बंधु, मु विकास कुमार स्वागत करछु मोर फेवरेट यूट्यूब चैनल को। आसंतु आज मु आपण मानको कहिबी जे आमे जो प्रथम रु अष्टम श्रेणी पर्यंत पिला मानको लैंग्वेज पढ़ाऊचे, भाषा पढ़ाऊचे, से सेई भाषाटाको फास्ट माने प्रथम द्वितीय तृतीय भाषा रूपे किपरि पढ़ा जाउचे बा प्रथम द्वितीय तृतीय भाषा रूपे आमे किपरि व्यवहार करूचु से विषय आपण मानको मु सविशेष सूचना प्रदान करबि। भिडियोटिको स्टार्ट करबा पूर्वरु मु कहि रखुचु जदि आपण जने टीचर तबे एही भिडियो आपणको पई निश्चय रूपे गुरुत्वपूर्ण, निश्चय रूपे इम्पोर्टेंट। एही भिडियो रे मु आपणको कहिछि जे लैंग्वेज को किपरि भाबरे प्रथम द्वितीय तृतीय भाषा रूपे व्यवहार करचन करा जाय पारिबो बा करूचन्ति पिला माने से से ज्ञान आपणकर निहाति जानिबा दरकार। जदि त जानिचन्ति भल कथा, जदि जानि नाहन्ति तबे भिडियोटिको प्रथमरु शेष पर्यंत निश्चय रूप से देखु। भिडियो को स्टार्ट करने पूर्व जब आप आम चैनल को प्रथम थर पर नुआ कर भिजिट कर चैनल को सब्सक्राइब करना तो लिखे लाल सब्सक्राइब बटन को दबाई सब्सक्राइब करूँ और बेल आइकन को दबाई दिंतु जहाँफल यही चैनल द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक भिडियोर नोटिफिकेशन आपण आगे पहुंची पार एवं भिडियोटी निश्चित रूप से गोटे लाइक करूँ, सेयार करूँ और कमेंट करने को जमार भूलु। तो निश्चित रूप से आज प्रथम शेष पर्यटन देखूँ कारण यही भिडियो आपण निश्चित रूप से जरूरी। तो चलत भिडियोटी को स्टार्ट करवा। से कहते लर्निंग लैंग्वेज एज ए फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लैंग्वेज। प्रकृत में शिशुर परेश मातृभाषार जथेष व्यवहार थाए तेणु मातृभाषा शिखा सहज स्वाभाविक होता है किंतु द्वितीय भाषा एक विदेशी भाषा शिक्षण यह संभव हो न था कारण से भली परिस्थिति से ही भाषार जथेष व्यवहार न था। यही क्षेत्र में पाने अनौपचारिक भाव में भाषा व्यवहार पर खूब कम सुजोग पाई आमर सरकारी विद्यालय ओडिया माध्यम विद्यालय मानक अवस्था देखा मिलता है। साधारणतः आम जो कहे लर्निंग लैंग्वेज एज ए फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड लैंग्वेज ये कापाई एक टीचर मैंने सीना जानवापी भिडियोटा कि मुख्य जिनस पाई जे पाटी जो भाषा शिखुची से ही भाषाटा तार प्रथम ना द्वितीय ना तृतीय। प्रथम पॉइंट मन रखुद आप जाना दरकार ते प्रथम द्वितीय तृतीय जदि आप न जापारे तेज आपको नेक्स्ट भाषा सहित परिचित करेंगे ना। तेणु आमर कौन होमर जो मतृभाषा रोचे मतृभाषा सहित सेचित होती जदि विदेशी भाषा गोटे यूज हो भाषाटा पिला बेसी मानने यूज कर पारना घर थर ताक इंग्लीश मीडियम पढ़ेले जो आपको पिलाटे इंग्लीश मीडियम पढ़ाऊँ तो पिलाटे इंग्लीश शिखला कि इंग्लीशा देखला परेश कहना कि जानूना तेणु तार कौन है इंग्लीशा केवल सी जहाँ स्कूल रू पाइला किंतु घरे पाइला नहीं बा परिवेश रू पाइला नहीं। तेणु गोटे भाषा को प्रथम द्वितीय तृतीय भाषा भाव में शिखापी भिन्न भिन्न उपाय अवलम्बन करने को हेबो। तो प्रथम भाषा बा मातृभाषा शिक्षण पर पाठ्यक्रम और शिक्षण सामग्री पिलामानकर परिचित और प्रामाणिक होइतिबो पिलामानक भितर यार बहुल व्यवहार होइतिबो पिलामानक पय उद्दिष्ट लेखागुड़ी अर्थपूर्ण प्रासंगिकता होइतिबो। तेणु प्रथम हैला जे मातृभाषा जेटा प्रथम भाषा केटा कह जाए ना ताको निज मातृभाषा जेटा से घर जन्मरु बापा माँ पाखु शिखती परेश सैट्रे चतुर्पार्श्वे यूज कर लोक मैंने लोक मैंने जो भाषाटा यूज करूँ बापा माँ हूँ घर हो तो सहीटा कह जाए मातृभाषा सी जन्म जो भाषाटा शिखे। तेणु मातृभाषा जो कहगला तेणु सी कौन कला ना से ही भाषाटा को प्रथम भाषा रूपे शिख प्रथम भाषा बा मातृभाषा शिक्षण पर पाठ्यक्रम शिक्षण सामग्री पिलामानकर परिचित प्रामाणिक रूप होइतिबो पिलामान भितर यार बहुल व्यवहार थिबो पिलामानक पय उद्दिष्ट लेखागुड़ी अर्थपूर्ण प्रासंगिक होइतिबो। तेणु जो भाषा शिखला ओडिया आम प्रथम ओडिया शिखोचे जो स्कूल को ओडिया शिखोचे तेणु तार से प्रथम जदि सी मातृभाषा होइतिबो नहे तार पाठ्यक्रम शिक्षण सामग्री तार परिचित थिबो। तापर आसंतु देखिबा द्वितीय भाषा तापर आसला देखो द्वितीय भाषा ते प्रथम भाषा बा मातृभाषापी जो पाठ्यक्रम शिक्षण सामग्री पिला परिचित प्रामाणिक होने भितर बहुत व्यवहार हो पाने उद्देश्य लेखागुड़ी अर्थपूर्ण प्रासंगिक होगुड़ा है प्रथम मातृभाषा रूपे आम नहीं जा प्रथम भाषा रूपे। द्वितीय भाषा शिक्षण बेले पिला प्रथम भाषा सहित परिचित करने को पड़ा और भाषा को क्लिष्ट दक्षता आड़ को नेबा को पड़ो पर भाषा क्लिष्ट दक्षता आड़ को नेबा को पड़ो और उभय क्षेत्र में गोटे भाषा अन्य भाषा आहरण शिक्षा कर सहायक होता है। अन्य भाषा कह गले पिलाने भाषागत सामर्थ्य सामग्रिक भाव में वृद्धि होता है। भारत किसी परिस्थिति अच्छी जो भारतीय भाषा को पिला द्वितीय भाषा भाव में पढ़ी था तेणु यही विषय में कतक उदाहरण तले अच्छे तेणु द्वितीय भाषाटा है प्रथम भाषा शिखी थोड़ा एड करके आम द्वितीय भाषाटा को शिखेवा जरको आम ओडिशा कथ कह आम राज्य में बहुत आदिवासी भाषा रही है सांताली मुंडा कुई इत्यादि यही वर्ग के पिला ओडिया को द्वितीय भाषा भाव में व्यवहार करते मन रखुद कारण से सांताली मुंडा कुई भाषा से प्रथम भाषा है से मातृभाषा तेणु ओडिया को द्वितीय भाषा भाव में पढ़ी था तेणु इंग्राजी को द्वितीय भाषा भाव में पढ़ी था। दक्षिण भारत अंचल हिंदी को तृतीय भाषा भाव में पढ़ी था उत्तर प्रदेश में हिंदी को मातृभाषा भाव में पढ़ी था। तो गोटे भाषा क्यों भाषा
ସେ ପ୍ରଥମ ହେଇପାରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବା ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଶିଖୁଛି। ତେଣୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଭାଷା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନର ପଦ୍ଧତି ଓ ସାମଗ୍ରୀ ସେହି ଅନୁସାରେ ସ୍ଥିର ହେବ। କିନ୍ତୁ ସିକିମ୍ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମରୁ ପିଲାମାନେ ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ମାତୃଭାଷା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଷା ଭାବରେ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶିକ୍ଷକ କିଭଳି ଉପାୟ ଓ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ, କିଭଳି ପାଠ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାଟିଏ ପ୍ରଥମ ଭାଷା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଷା, ତୃତୀୟ ଭାଷାଟାର ନଲେଜ୍ ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ପ୍ରଥମ ଭାଷା ଆସିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯିଏ ଯେଟା ପଢ଼ିଲା, ସେକେଣ୍ଡ ଭାଷା ତାପରେ ସିଏ ତା ଉପରେ ଯେଟା ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଗଲା, ତୃତୀୟ ଭାଷା ହେଉଛି ଓ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଷା ଉପରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଗଲା। ତେଣୁ ସିଏ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଶିଖିଲା, ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଭାଷାଟାକୁ ଶିଖିଲା ତାକୁ ପ୍ରଥମ ଭାଷା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯେଉଁ ଭାଷାଟାକୁ ଶିଖିଲା ତାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଷା, ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ଯେଉଁ ଭାଷାଟାକୁ ଶିଖିଲା ତାକୁ ତୃତୀୟ ଭାଷା କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଜାଣିଯାଇଥିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି।